नमस्कार, शुभ सकाळ। प्रथम खबर सह मु कमलाकांत। प्रथमे हेडलाइंस। आज भगवान बिरसा मुंडा को जन्म जयंती, जनजातीय गौरव दिवस। रांची ठारे बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। भिसीरे जोड़ी हेबे प्रधानमंत्री, उपस्थित रहिबे केन्द्र जनजाति व्यापार मंत्री अर्जुन मुंडा। देशर अर्थनीति अभिवृद्धि पई पूंजी विनियोग को आकर्षित करबा उपरे केन्द्रर गुरुत्व। आज विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्रीक सह भिसीरे कथा हेबे निर्मला सीतारमण। प्राक बजेट उपरे आलोचना हेबा नै अर्थ मंत्रालयर सूचना। सरला टी20 विश्वकप टाइटल हाताइला कंगारू दल। फाइनल मैच रे न्यूजीलैंड को हराई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श को धमाकेदार अर्धशतक सह टीम विजयी। 8 विकेट रे हारी न्यूजीलैंड रनर्स अप। दीर्घ मास व्यवधान पर आज खोल षष्ठ और सप्तम क्लास। क्लासरूम रे बसी पाठ पढ़े उभय श्रेणीर छात्र छात्री। सका 9:30 रु दिन गोटाए जाए ऑनलाइन ऑफलाइन रे पाठ पढ़ा। कटकणा रे खोलिबो हॉस्टल। केन्द्रीय आंडमान सगर लघुचाप क्षेत्र सक्रिय। प्रभाव में आसंता 19 जाए राज्य में वर्षा संभावना। गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट एवं कंधमाल जिला को पानीपाग विभाग येलो वार्निंग। लघुचाप प्रभाव में लगाण वर्षा, पानी में बुड़ रही क्षेत। फसल नष्ट देखि चिंतार रायगड़ा बेहरागुड़ा अंचल चाषी। क्षयति आकलन कर चाषी कूल को साहय प्रदान करने को दावी। एवं आज पंचक व्रत। देव दर्शन करी पापरु मुक्त हेबे व्रतधारी। 5 दिन स्वतंत्र बेसरे दर्शन देवे महाप्रभु। भिड़ आशंका थिबारु भक्तों पाई श्रीमंदिर मना। बाबा धवलेश्वर पीठ से 144 धारा। एबे संपूर्ण खबर। आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती, जनजातीय गौरव दिवस। यह अवसर में झारखंड रांची ठारे बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वाधीनता संग्रामी संग्रहालय उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पूर्वाह्न 9:45 मिनिट समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे मोदी एक कार्यक्रम में जोगदेवे। अवसर में केन्द्र जनजाति व्यापार मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहिबे बोली सूचना मिली। प्रधानमंत्री सर्वदा जनजाति समुदाय मूल्यवान योगदान विशेषकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे सेमानकर विशेष भूमिका उपरे गुरुत्वारोप करि आसिछन्ते। 2016 रे निजर स्वाधीनता दिवस अभिभाषण रे प्रधानमंत्री भारतर स्वाधीनता संग्राम रे जनजाति स्वाधीनता संग्रामी मानकर भूमिका उपरे जोर देथिले। साहसी जनजाति स्वाधीनता संग्रामी मानकर स्मृति रे संग्रहालय निर्माण करबा लागि परिकल्पना करथिले। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वाधीनता संग्रामी संग्रहालय झारखंड रो रांची पुरुणा केन्द्रीय कारागार निकटरे झारखंड राज्य सरकार को मिलित सहयोग रे निर्माण करा जायछि। एठारे भगवान बिरसा मुंडा को पाई निज जीवन बलिदान देथिले। देश प्रति तांकर एवं जनजाति समुदाय बलिदान प्रति एहा श्रद्धांजलि भावे विवेचित हेबो। एक संस्कार भित्तिक व्यवसाय परिवेश सृष्टि करने सहित देशर अभिवृद्धि पई पूंजी विनियोग को आकर्षित करने पर केन्द्र सरकार को गुरुत्व। आज विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री समेत अर्थमंत्री एने आलोचना करेंगे एवं केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एथिरे आलोचना करेंगे। अपराह्न 3 समय केन्द्रमंत्री अध्यक्षतार बसवाक वर्चुअल बैठक में विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री एवं अर्थमंत्री माने जोगदेवे। या व्यतीत केन्द्र सरकार का विभिन्न मंत्रालय सचिव, राज्य मुख्य सचिव एवं अर्थ सचिव माने बैठक में जोगदेवे। देशर अभिवृद्धि पई पूंजी विनियोग को आकर्षित करने पर आलोचना हेबो एवं बैठक में प्राक बजेट नहीं आलोचना होबार संभावना रही। सरला टी20 विश्वकप टाइटल हाथी कंगारू दल। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम रे रविवार अनुष्ठित फाइनाल मैच रे न्यूजीलैंड को 8 विकेट रे हराई ऑस्ट्रेलिया प्रथम थर टी20 विश्वकप टाइटल हाथी। सुपर संडे रे हाई वोल्टेज मैच रे प्रथम बैटिंग करी न्यूजीलैंड दल 4 विकेट हराई 177 रन करबा
सक्षम होता पर मात्र दुई विकेट्रे डेविड वार्नर और मिचेल मार्स अर्धशतक बल में ऑस्ट्रेलिया प्रथम थर पर टी ट्वेंटी विश्वकप चैंपियन हो कोड़े मासर व्यवधान परे खोलिब षष्ठ और सप्तम श्रेणी आज क्लासरूम रे बसी पाठ पढ़े उभय श्रेणी छात्र छात्री कोरोना कटकणा को माने उभय षष्ठ और सप्तम श्रेणी खोल को स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षर पूर्व विज्ञप्ति प्रकाश पाई पूर्व निर्धारित निर्देश अनुजाई सका नौटा तीस गोटाए जाए तीन घंटा छात्र छात्री माने पाठ पढ़े यही समय मध्य उभय ऑफलाइन और ऑनलाइन रे क्लास हेब तबे छात्र छात्री माने ऑफलाइन क्लास करे कि ना एने अभिभावक मान अनुमति मगाजिव से ऑफलाइन क्लास रे उपस्थान बाध्यतामूलक जमापड़ सेपटे आज स्कूल समेत छात्र छात्री हॉस्टल खोल हॉस्टल रे पिलामाने केमिति कोरोना कटकणा मानी गोटे स्थान में एकाठी हेबे ना हॉस्टल रे किभली पिलामानक मध्यरे सामाजिक दूरत रहिबो सेने स्कूल कर्तृपक्ष गुरुत्व देवाकू विभाग पक्षरु निर्देश दिया जायछि। आज आरंभ हम पंचुक व्रत समस्त मास मानक मध्यरे कार्तिक मास होची धार्मिक मास एही मास रे व्रत आचरण करी वर्षक जाक पापरु व्रतचारी माने पवित्र होंती मास मध्यरे श्रेष्ठ होची एहार शेष पांच दिन पंचुक पांच दिन रे पांचटी स्वतंत्र बेसरे दर्शन देबे महाप्रभु कार्तिक मास सह पंचुक पांच दिन निष्ठा और भक्तिर सहित महाप्रभु को पूजा कले अशेष पुण्य सह अंते वैकुंठ प्राप्ति हेबाने विश्वास रही तेज पंचुकर प्रथम दिन में प्रबल भिड़ आशंका थी भक्त मानी श्रीमंदिर कटक लग जा आज बड़ एकादशी सांग को श्रीजीव लक्ष्मीनारायण बेश अनुषित होगा बेले भक्त मैंने वंचित हे तेज अन्य चार दिन गुड़िक चतुर्धा मूर्ति बांकचूड़ बेश त्रिविक्रम बेश लक्ष्मी नृसिंह बेश को भक्त मैंने दर्शन करें श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष एने अनुमति मिली पंचुकर शेष दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा दिन श्रद्धालु दर्शन उपर कटक लग जापटे राज्यर अन्यतम प्रमुख शैवपीठ धवलेश्वर में पंचुक अवसर में भक्त समागम होता है तेरे कोरोना कारण पूर्व वर्ष भली चलित बर्ष बाबा धवलेश्वर पीठ से 144 धारा लागू कर धवलेश्वर पीठ चलचंचल होता कथा किंतु चलित बर्ष कोविड कटकणा कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत मंदिर परिसर रे भोर तीन टू राति 10टा पर्यंत 144 धारा लागू करा केवल पूजक माने रीतिनीति करुछंती बिना भक्त रे दर्शन देउछंती बाबा धवलेश्वर अन्यपटे सुरक्षा दृष्टिकोण मंदिर मुख्य द्वार और झूलापोल परिसर रे पुलिस फोर्स मुतयन करा जायछि। तबे पुरी रु आलोक आशुतोष रही कटक आठगोट रही सुशांत साहू रही प्रथम पुरी जीवाई चाहिए आलोक आशुतोष रही आलोक आम जमती कि देखुले कटकणा रखा जा खास करके आज जेहेतु पंचकर प्रथम दिन से अधिक भिड़ दृष्टि पुलिस प्रशासन पक्षर कटकणा लग जा कि बर्तमान से भक्त मैंने दर्शन करुँचना ना देखा श्रीमंदिर बाहर बर्तमान भक्त भिड़ लगी कि निश्चित कमलाकांत बड़ पवित्र दिन आज पंचुकर प्रथम दिन में महाप्रभु लक्ष्मी नारायण बेश वर्तमान दर्शन दौरान किंतु दुर्भाग्यर कथा आज महाप्रभुंर ए पवित्र बेश को दर्शन करने को कौन भक्त नहाती कारण आप जानते श्रीमंदिर प्रशासन जो एसओपी आसी कहीपर विशेष पर्वपर्वाणी मानक गहली को दृष्टि रखिकी श्रीमंदिर बंद कर तो से ही परिप्रेक्षी आज जेहेतु लक्ष्मी नारायण बेश पंचुकर प्रथम दिन व बड़ एकादशी आज श्रीमंदिर को बर्तमान बंद रखाई तो निश्चित भाव में जब परेश देखा कमलाकांत संपूर्ण रूपे भक्तिमय रही जगन्नाथमय रही प्रथम पूरा पूरी दृश्य आम देखा चाहिए आम जेहेतु पतित पावन बाहर रही आप जानते जो कौन भक्त श्रद्धा जब श्रीमंदिर को जापार ना श्रीमंदिर बंद रही पतित पावन को दर्शन करें कृतार्थ होती प्रथम आलोचना करें आम सहित गवेषक जोड़ी आज्ञा बड़ पवित्र दिन आज पंचुकर प्रथम दिन लक्ष्मी नारायण बेश महाप्रभु सज्जित हो सारी जेहेतु मंगल आलती मैलम तड़प लगे नीति शेष हो अवकाश नीति आरंभ हो जाए महाप्रभु लक्ष्मी नारायण बेश सुसज्जित होती कि रही लक्ष्मी नारायण बेश महात्म्य मासानम कार्तिक श्रेष्ठा
से मास भितर कार्तिक होती श्रेष्ठ कार्तिक भितर ये पंचुक पांच दिन हूँ महाप्रभु बहुत बड़ श्रेष्ठ दिन जहाँकि कहुई महाभारत एक भीष्म पंचक कहुए बगपंचक कहुए से महाप्रभु जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी महाप्रभु शयन करते आज उत्थापन हम दीर्घ चारिमास महाप्रभु उत्थापन होतीपाई महाप्रभु ता पूर्व लक्ष्मी नारायण वेश जिते बड़े आपंट संताकारम भुजग शयनम जिते महाप्रभु शयन रु उठती लक्ष्मी था भाई भाव में महाप्रभु आज लक्ष्मी नारायण वेश श्रृंगार हे से लक्ष्मी नारायण वेश महाप्रभु जिते बड़े अवकाश सरीज अवकाश सरी सारापर अवकाश उलागी परे परे महाप्रभुंकर से लक्ष्मी नारायण श्रीभुज महाप्रभु मुंडे कहींपर लक्ष्मी नारायण वेश ठिया किया वेश आज महाप्रभु तक मस्तक सुवर्ण किया धारण करेंगे श्रीभुज किरीटी कुंडल समस्त प्रकार धारण करने सदृश्य मध्य महाप्रभुंकर से सुवर्णर किया धारण करेंगे ताहा हलमुसल महा बलभद्र धारण करेंगे आउ शंखचक्र महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ धारण करेंगे कहीं लक्ष्मी नारायण वेश श्रृंगार हे से बड़े दुर्लभ वेश जहाँकि महाप्रभुंकर लक्ष्मी आउ नारायण जहाँ जे कि संसार में दुर्लभ जहाँ दर्शन कले साजुज्य मुक्ति लाभ होता निश्चित कमलकांत बड़ कथ जानते आज महाप्रभु लक्ष्मी नारायण वेश सबुठ बड़ पवित्र दिन आज जो जो कार्तिक व्रतधारी मैंने हूँ कि हबिशाड़ी मैंने हूँ जो मैंने कार्तिक व्रत पालन न करते से पंचुकर पांच दिन में कार्तिक व्रत पालन करते हैं सीधा सड़क आलोचना करें आम सहित किसी मऊसी मैंने जोड़ हबिशाड़ी मैंने जोड़ सहित आलोचना करवा मऊसी कौन कहे महाप्रभु को दर्शन करने को जापार ना ये दर्शन कर मन बुझे हाँ कौन कहे महाप्रभु को दर्शन करने को जापार ना ये दर्शन कर समस्त गोटे महाप्रभु कामना रही जय जगन्नाथ ध्वनि समग्र बड़दाण्ड परिवेश समस्त हबिशाड़ी मैंने जेहेतु श्रीमंदिर भितर को जापार ना से पतित पावन को यही दर्शन करतार्थ निश्चित भाव में आलोचना जय जगन्नाथ ध्वनि प्रकम्पित होउछि मोर करुणा टे दर्शन करते मन बहुत खुशी होता है मानसक अभिजा कर दर्शन कर दर्शन कर कमलाकांत ये हूँ जन मऊसी मनर कथा से निजर दुख जनावि महाप्रभु को जे से दर्शन रु वंचित होती तेरे आठगढ़ जी आम प्रतिनिधि सुशांत साहू मध्य रही सुशांत जदि आज करोना कटक लगि न था हूँ तो धवलेश्वर पीठ से आज लक्षाधिक भक्त भिड़ होता तेज वर्तमान सेठे कि रीतनीति चली सुरक्षा दृष्टि जदि देखा आप पूर्व सूचना देते झूलापोल और मंदिर परिसर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर सुशांत वर्तमान धवलेश्वर बाबा धवलेश्वर पीठ से किभली रीतनीति चलती और सुरक्षा दृष्टिकोण जमी आपते झूलापोल और मंदिर परिसर में पुलिस व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर देखु कमलाकांत आम जी कह आज कार्तिक मासर जो पंचुकर प्रथम सोमवार रही प्रथम सोमवार प्रशासन पक्षर जो 144 धारा लग जा कौन सी श्रद्धा आसुना आम अच्छू बर्तमान धवलेश्वर मंदिर मुख्य द्वार आप देखिपे और दर्शक मैंने देखिपे अर्गस न्यूज मध्यम बाबा धवलेश्वर मंदिर संपूर्ण सुनसान रही फिका पड़ी पंचुक बर्तमान जदि कह धवलेश्वर मंदिर में पंचुक फिका पड़ी केवल किसी हाथ गणति नना मान द्वारा रीतनीति आज जदि कह भोर सका पड़ खोल जाए बाबा को स्नान कराए बाबा बर्तमान बेश चली आदि सीधा सब चित्र देखा संपूर्ण भाव मंदिर चतुर्पाश्व कैमेरा पर्सन कह देखे संपूर्ण मंदिर खाँ खाँ रही गोटे हेल्ले श्रद्धालु आसीना आम पाखे मंदिर पूजारी अच्छा आलोचना नवा भाईना कहे जो कोविड कटक रही प्रशासन पक्ष कटक लग जा मंदिर को कई श्रद्धा आसवे ना केमती देखुं बाबा आज कौन सब रही नीति कांति सका
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଇଛି ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ଯାଇଛି ଠାକୁର ମାର୍ଜନା ହେଇଛନ୍ତି ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ହେଲା ହେଲା ପରେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀ ତ କେହି ଆସିବେନି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେନି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆଜି ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚୁକ ଏ କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ବାରଣ କରିଛନ୍ତି କେହି କାହାରିକି ବାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଯୋଉ କାଳ କୋରାଳ ରୂପ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ ସରକାର କିଛି କରିନଥାନ୍ତେ କି ଜନସାଧାରଣ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେ କି ଏ ଭଳିଆ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚୁକରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଶାୟିତ ଥିଲେ ସରକାର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବେ ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିନା ଭକ୍ତରେ ବାବା ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଠିକ ପଞ୍ଚୁକର ଯେଉଁ ବଡ ଓଷା ରହିଛି ଯାହାକି ଓଡିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠର ଅନ୍ୟତମ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଏମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିବେ ତେବେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 19 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ପ୍ରଭାବରେ 17 ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି କବିତା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ କହିପାରିବା କି ଯାହା ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆଜି ଏହା ଅବପାତ୍ର ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ବା କିଛି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି କହିବା 17 ତାରିଖ ପାଇଁ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 17 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି 18 ତାରିଖ ପାଇଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏହା ସହ ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଧିକ ରହିବ ଯେମିତିକି 45ରୁ 55 ଝଟକା ପବନ 65 ରହିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ରଣିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହ ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଯାହାକି ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଆଉ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ରହିଥିଲେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର 3 ଦିନର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ଲକ ପାତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ଏମିତିକି ରାସନ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ନିକଟର ତଳେ ଯାଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଯେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଥିବା ଚୁକ୍ତିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ତଥା ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି
तबे पीताम्बर नाहक आम प्रतिनिधि जोड़ आम सहित पीताम्बर कौन अधिक अपडेट आसूरी कारण जो देखा उभय आंध्र उपरे तो निहाती भाव आपण मैंने जो दृश्य देखिपुंट पुणी थे गंजाम सीमांत ये दृश्य आसूरी जोटी की लघुचाप जनित वर्षा पर पंदर खंड गाँ लोके ओडिशारु संपूर्ण विच्छिन्न हो वर्तमान आंध्र उपर निर्भर करीताम्बर नाहक आम सहित पुणी थे जोड़ फोन लाइन में पीताम्बर आंध्र उपरे आम तो भरसा करुं वर्तमान कारण राज्य सरकार एठार सुविधा सुजोग पहुंचेबारे विफल होती से आंध्र उपर संगीन अभियोग आसुचे कमलाकर निश्चित भाव गत काली दिन तमाम मध्य आम से दृश्य देखाई जे जमी आम जगार पानी नेम जगार ड्याम कर प्रतिबदल सेठारे जो ब्रिज सेठारे जो रास्ताघाट निर्माण करने कथा ता संपूर्ण आंध्र भूली जाइए और ओडिशा सरकार भी चुप अच्छा किंतु प्रतिफलन विशेष करके वर्तमान लघुचाप जनित वर्षा तीन दिन लघुचाप जनित वर्षा पर देखा मिली जे आंध्र जो आनिकट सेठारे तैयारी होई कलिंगदोला आनिकट ता तले जो पानी जाऊछी पानीर स्वरे संपूर्ण भाव सेपटे पंदर खंड गाँ लोक अच्छा विशेष भाव महेन्द्र तन्या नदी आरपटे लोक अच्छा तो ताकू नहीं कि से माने ओडिशार निज पंचायत कथा कहवा निज ब्लॉक पात्रपुर कथा कहवा सब अंचल को शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन ए सब असुविधा हेतु से माने आसी पारु नाहंती जहाद्वारा कि बाध्य होई आंध्र उपरे निर्भर करुछंती एवं शिक्षा स्वास्थ्य कथा कहवा रास्ता घाट कथा कहवा आंध्र पटु जेहेतु सठिक रही आंध्र उपरे निर्भर करुछंती वर्तमान पर्यंत जो वीडियो आम पाखरे हस्तगत होई जो वीडियो आपणक सामना रे आपण देखुछंती जे केमती जदि अधिक किछि आवश्यकता पड़े जेबे लोक माने हात धरा धरि हे कि गोटे सांगरे पांच रु सात जन आसुछंती नतुबा एमती जणे दुई जन आसी पारु नाहंती जेहेतु भासी जिबार मध्ये संभावना तो वर्तमान समय चित्र जो भाई भाव में आंध्र ओडिशा विवाद लगी से विवाद भीतर ए गोटे संगीन चित्र आसुची साधारण लोक सेठारे हैरान हरकत होती तार प्रतिफलन ए लघुचाप जनित वर्षा देखी जहा द्वारा पंदर खंड गाँ लोक ओडिशारु विच्छिन्न होती आंध्र उपर निर्भर कर किंतु सरकार चेतु नाहंती ना आंध्र सरकार को कहुछंती सेठारे विकास करबा पाए ना निजे किछि करुछंती ताहा निश्चित भाबे से अंचलवासींकर गोटे असंतोष देखिबा को मिलुछि अन्य पटे वर्तमान सुधा कोनोसी नदी कूल को सरकारी बाबू कोनोसी पहुंची नथिबा मध्ये आज सकाळु से अंचल रो किछि लोक मध्ये आमको सूचना देइछंती एवं वीडियो मध्ये आमको देइछंती जे आपण होइत ए वीडियो देखाइले सरकार अंततः चेतिबे पीताम्बर आपरिया बर्तमान दर्शक मैंने फास्ट विजुआल देखिपे कि भाव में लोके हाथ धराधरी आसुच्चे जदि पांच रु सात जन एकाठी न होती तेज ए नदी पार करवा जो पा पार करने असंभव हो पड़ो आपने फास्ट विजुआल देखिपी पीताम्बर नाक आम सहित जोड़ी होते अधिक अपडेट देते बहुत बहुत धन्यवाद पीताम्बर समस्त अपडेट पर रायगढ़ जिले में गत दुई दिन है अविश्रांत वर्षा फसल सह परिश्रम धोईजा नहीं चिंतार धान चाषी वर्तमान सेमान को मुंडे चड़क पड़ी कारण लघुचाप अवपात में परिणत हो जिले में अदिनिया वर्षा चाषी कूल को पुणी थे चिंतार पक रायगढ़ जिले में गत दुई दिन है लगा वर्षा फल चिंतार धान चाषी केन्द्रीय बंगोपसगर में सृष्टि लघुचाप अवपात में परिणत हो जिले में गत दुई दिन है जारी रही वर्षा अदिनिया वर्षा जो जनजीवन अस्तव्यस्त होता बेले चाषीकूल हताश खरीफ ऋतु में जिले में 46,630 हेक्टर क्षेत्र में धान फसल हो प्राय 4,000 ऊर्ध हेक्टर धान फसल अमल समय हो वर्तमान अदिनिया वर्षा चाषी को काल वर्षा जो धान क्षेत्र में लहड़ी भांगुची वर्षा पा पांच दिन है झड़ी लगी तल पर्सन सब पूरा उदा हो जाए गदा हो जाए एवं से ऊपरटा आटा शुखिले भल हे बोला बेलू से आर्षार गजा जीव ए बर्षा उपरटू ये जा सरकार आमको कौन सहायता देले आम गरीब लोक आमको किना कि ये कले आम पिला परिवार समस्ते भल रही चेष्टा करसा हो जाए धान कटा ये काटू बर्षार पा आस ये जमा हो जाए बिल धान भितर गजा हो जाए नष्ट आपण मैं देखु नष्ट सरकार कौन साज करें
କ୍ଷତିପୂରଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ଗଛ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପଚି ଗଜା ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଆହୁରି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଋଣ ଆଣି ଧାନ ଫସଲ କରିଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅମଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କୃଷି ବିଭାଗ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବେହେରାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଟା ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଋଣ ମାଗି କରି ଏଟା ଚଳେଇଥିଲୁ, ଏବେ ସେଟା ବି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ ସେଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ପରିବାରରେ ବି କେମିତି ଚଳିବୁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଟା ବର୍ଷା ଏ ସମୟରେ ଆସିକରି ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ତମାମ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଅଭାବ, କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛି ଚାଷୀ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଥମ ଖବର ସମୟ ସରିଛି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।